गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज जो है हम कंसंट्रेशन टर्म के ऊपर जो है वो न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे बेटा। तो जैसे आपको कोई न्यूमेरिकल दे रहा हूँ मैं, जैसे मान लो आपको दिया है कैलकुलेट द मोलैरिटी एंड मोलैरिटी ऑफ 214.2 ग्राम ऑफ शुगर सॉल्यूशन कंटेनिंग 34.2 ग्राम ऑफ शुगर एंड द डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन 1.2 ग्राम पर ml। ये बेटा आपके पास क्वेश्चन दिया है। तो देखिए, सबसे पहले तो क्वेश्चन को आपने ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन क्या दिया तुम्हें, कैलकुलेट द मोलैरिटी एंड मोलैलिटी ऑफ 214.2 ग्राम। ये जो दिया है बेटा आपके पास, ये दिया है मास ऑफ सॉल्यूशन, क्योंकि इन्होंने खुद बोला है कि 214.2 ग्राम ऑफ शुगर सॉल्यूशन, कि शुगर सॉल्यूशन दिया है जिसमें क्या है बेटा कंटेनिंग 34.2 ग्राम ऑफ शुगर। तो इतने सॉल्यूशन के मास में इतना आपके पास शुगर प्रेजेंट है बेटा, एंड द डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज दिस। तो आपने इसमें क्या निकालना, मोलैरिटी और मोलैलिटी निकालनी है। तो कैसे क्या करेंगे इसमें, देखिए आप सबसे पहले बेटा जो गिवन होता है वो आपने लिखना होता है गिवन। तो आपको जो दिया है बेटा मास ऑफ सॉल्यूट, और सॉल्यूट क्या है बेटा यहां पे, दैट इज शुगर। तो शुगर का जो मास दिया आपको वो कितना दिया है बेटा 34.2 ग्राम, ठीक है, और साथ में दिया आपको मास ऑफ सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन का जो मास आपको दे रखा है बेटा वो कितना दे रखा है, दैट इज 214.2 ग्राम। तो यहां से मास ऑफ वाटर आ जाएगा, मीन्स मास ऑफ सॉल्वेंट, क्योंकि शुगर सॉल्यूशन लिया है तो सॉल्वेंट जो होगा इसमें वाटर होगा, कितना हो जाएगा, सॉल्यूशन के मास में से सॉल्यूट का मास जो है वो माइनस कर दें बेटा, कि मास ऑफ सॉल्यूशन माइनस मास ऑफ सॉल्यूट कितना आ गया बेटा, देख सकते हैं आप। वन एट्टी ग्राम ये आ गया बेटा आपके पास मास ऑफ सॉल्वेंट। तो सॉल्यूशन में से सॉल्यूट का माइनस कर दिया मास जो है, तो आपके पास मास ऑफ सॉल्वेंट आ गया। और आपको पता है मोलर मास ऑफ शुगर, मैंने आपको बताया था कि मोलर मास जो है सभी के आप याद कर लें, जो इंपॉर्टेंट कंपाउंड है मोलर मास ऑफ शुगर, अगर किसी को फॉर्मूला पता है तो आप जानते हैं फॉर्मूला होता है C12H22O11। अगर देखिए आपको ये याद नहीं होंगे तो आपको यहाँ पे मोलर मास जो है इसका कैलकुलेट करना पड़ेगा, और अगर बेटा याद होगा तो आप डायरेक्टली लिख लोगे 342 ग्राम पर ml पर मोल। तो ये हो जाएगा आपके पास में यहां पे मोलर मास ऑफ शुगर। अब आपने क्या करना है बेटा, सपोज करो आप क्या कर रहे हो, सबसे पहले मोलैलिटी निकाल रहे हो, मोलैलिटी डिटर्मिनेशन, कि सबसे पहले मोलैलिटी स्मॉल m कैलकुलेट कर लेंगे। तो कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले फॉर्मूला लिखना है बेटा आपने, मोलैलिटी स्मॉल m इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। ये फॉर्मूला होता है बेटा इसका। अब आप यहां से क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट मींस फॉर्मूला लिख दीजिए जो बताया था, डब्ल्यू बी अपॉन एम बी। डब्ल्यू बी अपॉन एम बी का मतलब क्या हो गया बेटे, डब्ल्यू बी हो गया मास ऑफ सॉल्यूट, एम बी हो गया मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, और इनटू में आ जाएगा डब्ल्यू ए। डब्ल्यू ए क्या है बेटा, दैट इज मास ऑफ सॉल्वेंट, और ग्राम में दिया है तो 1000 से डिवाइड करेंगे, वो 1000 कहां चला जाता है बेटा ऊपर। तो ये आपके पास मोलैलिटी का फॉर्मूला है। तो अब आप क्या कर सकते हैं, इसमें वैल्यू पुट कर सकते हैं बेटा। तो मास ऑफ सॉल्यूट कितना दिया, शुगर का मास कितना दिया है आपके पास, 34.2 ग्राम है बेटा। तो आपने डब्ल्यू बी की जगह रख लिया 34.2, और शुगर का जो मोलर मास है दैट इज 342, ठीक है, और डब्ल्यू ए दैट इज मास ऑफ सॉल्वेंट कितना दिया है बेटा 180, और इनटू में 1000।
ठीक है। तो अब इसको अगर कैलकुलेट करोगे तो आपके पास बेटा देखो यहां पे नीचे क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। 10 आ गया, तो इसके जीरो और इसके जीरो आपस में दोनों कैंसिल, तो आपके पास जो बच गया 10/18 मीन्स 5/9। तो अगर इसको कैलकुलेट करोगे तो 0.556 मोल पर केजी। तो देयर फोर मोलैलिटी जो आई आपके पास, मोलैलिटी इज इक्वल टू 0.556 मोल पर केजी। ये आ गया बेटा आपके पास मोलैलिटी। ध्यान देना इस पे, देखो बहुत सिंपल सी कैलकुलेशन थी इसकी। तो बेटा आपके पास अब आगे क्या कैलकुलेट करोगे आप, आपने निकालना है मोलैरिटी, मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो मोलैरिटी निकालने के लिए आपके पास जो गिवन है, एक और चीज दी हुई आपको, डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दे रखी है बेटा। डेंसिटी दी आपको 1.2 ग्राम पर एमएल, ये डेंसिटी दे रखी है बेटा। अब आप क्या कर सकते हो, यहां से वॉल्यूम निकाल लीजिए। तो आपको पता है डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो यहां से बेटा जो वॉल्यूम निकलेगा आपके पास, वॉल्यूम इज इक्वल टू मास अपॉन डेंसिटी हो जाएगा। और मास ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया है आपके पास, दैट इज 214.2, 214.2। और डेंसिटी कितनी है बेटा, दैट इज 1.2। तो आपने क्या किया यहां पे, वॉल्यूम निकालने के लिए आपने इसको डिवाइड कर दिया। तो देखिए तो कितना आ जाएगा, 214.2। और डिवाइड कर रहे हैं आप कितने से बेटा, जो डेंसिटी दी हुई है, और डेंसिटी कितनी दे रखी है आपके पास, दैट इज 1.2 ग्राम पर एमएल। तो ये अगर आप इसको डिवाइड करते हो बेटा, तो जो वॉल्यूम आएगा आपके पास यहां पे, उसकी वैल्यू आ जाएगी 178.5 ml। ये आ गया बेटा वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम आ गया। अब आप क्या करिए, मोलैरिटी निकाल सकते हैं बेटा आप। तो मोलैरिटी निकालने के लिए आप सबसे पहले मोलैरिटी का फॉर्मूला लिखिए। कैपिटल एम को कहते हैं मोलैरिटी, कैपिटल एम से इसको डिनोट करते हैं। दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ये फॉर्मूला है बेटा आपके पास। तो नंबर ऑफ मोल्स डब्ल्यू वी अपॉन एम बी इंटू वी इंटू 1000। अगर ये वॉल्यूम किस में है बेटा, एमएल में है। वैल्यू पुट करिए कैपिटल एम निकालने के लिए। डब्ल्यू बी अपना वही 342, सॉरी 34.2 मास जो है गिवन है, और मोलर मास हो गया 342। वॉल्यूम बेटा 178.5 और इंटू में हो जाएगा आपका 1000। तो देख सकते हैं आप कितना बनेगा आपके पास ये। तो ये आ जाएगा आपके पास, 10 नीचे आए, 1 0 से 1 0 कैंसिल। तो 1000 अपॉन 178.5। तो देख सकते हैं आप, तो कितना आएगा अगर इसको आप कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए कैलकुलेशन इसकी 34.2 1000। तो बेटा ये डायरेक्टली आ रहा है आपके पास 0.5602 मोल पर लीटर। तो देयर फोर मोलैरिटी जो आई बेटा, दैट इज इक्वल टू 0.5602 मोल पर लीटर। ये आपके पास मोलैरिटी आ गई बेटा इसकी। तो इस तरह से आपने इसमें न्यूमेरिकल करने, एक न्यूमेरिकल करवाया। तो सेकंड देखिए अब कैसे क्या होगा। तो देखिए बेटा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, सेकंड क्वेश्चन ले रहे हैं इसको। तो ये क्या, कैलकुलेट द मास बाय मास परसेंटेज ऑफ 2 मोलल एक्वा सोल्यूशन ऑफ यूरिया।
देखिए देखने में क्वेश्चन बहुत छोटा सा लग रहा है, लेकिन पहले कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा, क्या दिया है क्या निकालना है। तो ये डेफिनेशन से जो आपके पास क्वेश्चन होगा, सबसे पहले तो आपको मास परसेंट का पता होना चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया था मास बाय मास परसेंट क्या होता है, मींस मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ द सॉल्यूशन, दैट इज कॉल्ड मास परसेंटेज। और गिवन है बेटा आपको 2 मोलल एक्वा सॉल्यूशन, इसका मतलब क्या हुआ? देखो आपको समझा, तो बहुत सिंपल तरीके से क्वेश्चन करेंगे, यही आपका बेसिक रहेगा। अगर आज आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना आ गया तो आप किसी भी डेप्थ के, कैसे भी न्यूमेरिकल आप किसी भी टॉपिक के ऊपर कर सकते हैं। तो इसलिए ध्यान से समझिए कैसे न्यूमेरिकल को करना होता है बेटा, ठीक है? तो सबसे पहले आपको दिया 2 मोलल सॉल्यूशन, मींस तो इसका मतलब ये हुआ बेटा, मोलल मोलल का मतलब है मोलैलिटी दे रखी है आपको 2 मोलल। तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 मोल्स ऑफ यूरिया प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, और सॉल्वेंट क्या लिया बेटा हमने यहां पे, वाटर, क्योंकि एक्वा सॉल्यूशन बोला है बेटा। ये स्टेटमेंट हमने कहां से लिखी इसका आपको बताता हूं। आपको फॉर्मूला बताया, स्मॉल एम इज इक्वल टू एन बी लिख दिया हमने, मोल्स की जगह एन बी लिख दिया, और नीचे वॉल्यूम एम एल में, सॉरी इसमें डब्ल्यू ए आ गया मास ऑफ सॉल्वेंट और इनटू में 1000, ठीक है? अगर मोलैलिटी दी आपको 2, तो यहां पे एन वी कितना हो जाएगा, तो यहां से 1000 कैंसल, क्योंकि 1 kg लेना पड़ेगा आपको, तो यहां से एन वी जो है मोल्स कितने आ गए, 2 मोल्स आ गए, और कितने में प्रेजेंट है वो 1 kg ऑफ सॉल्वेंट में प्रेजेंट है, ठीक है? तो इसलिए हमने बोल दिया 2 मोल्स ऑफ यूरिया प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। तो यहां से बेटा देयर फॉर मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट का मतलब यूरिया कितना हो जाएगा बेटा, 2 मोल्स हैं तो 2 × यूरिया का मोलर मास आपको पता होगा, दैट इज 60, कितना आ जाएगा बेटा, दैट इज 120 ग्राम, यह आ गया मास। एंड मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है बेटा, मास ऑफ सॉल्वेंट दिया है 1 kg, और 1 kg का आप कर दो ग्राम में चेंज, तो 1000 ग्राम हो जाएगा जी। तो बेटा सीधा निकाल लो, देयर फॉर मास ऑफ सॉल्यूशन, तो मास ऑफ सॉल्यूशन क्या आएगा आपके पास, दैट इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट कितना है 120, और मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है 1000, कितना हो गया बेटा ये, तो ये आ जाएगा आपके पास 1001 1 1 1120 क्या बेटा ग्राम, ठीक। अब क्या करेंगे आप, देयरफॉर मास बाय मास परसेंटेज, आप फॉर्मूला लगाइए डायरेक्ट, सब कुछ आपके पास है, मास बाय मास परसेंटेज। और आपको बताया था किससे डिनोट करते हैं इसको, डब्ल्यू बाय डब्ल्यू परसेंट किसके बराबर हो जाएगा बेटा, दैट इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन और इनटू 100, ये हो जाएगा बेटा इसका फॉर्मूला। तो वैल्यू डब्ल्यू वी अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन कितना आएगा बेटा, डब्ल्यू वी प्लस डब्ल्यू ए, ये हो गया मास ऑफ सॉल्यूशन और इंटू में 100, रखिए बेटा वैल्यू, डब्ल्यू वी क्या है मास ऑफ सॉल्यूट कितना दिया है 120, और ये कितना आ जाएगा 1120, 1120 और इंटू में 100। तो बेटा ये जो आपके पास बना 1200 अपॉन 112, तो इसको आपने क्या करना है, आप डिवाइड करना है इससे, देखिए आपके पास क्या आएगा, तो 1 2 डिवाइड बाई 1 1 2, दैट इज 10.7। तो ये जो परसेंटेज आई बेटा इसकी, दैट इज 10.7%। तो ये निकल गया आपका मास बाई मास परसेंट। तो ऐसे भी क्वेश्चन देखो, सिंपल सा क्वेश्चन था, लेकिन शुरू में आपको शायद पता नहीं लग रहा होगा कैसे सॉल्व करना है कैसे नहीं, तो ऐसे आप इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप,
देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द डेंसिटी ऑफ 3 मोलर सॉल्यूशन इज 1.25 ग्राम पर एम एल, कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो देखो ये इसमें दो चीजें आपको दी हैं, एक तो 3 मोलर का मतलब है आपको मोलैरिटी दे रखी है, और साथ में दूसरा क्या दिया, डेंसिटी दे रखी है सॉल्यूशन की। तो आपसे क्या पूछा, कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो सबसे पहले क्या करेंगे आप, 3 मोलर जैसे पहले क्वेश्चन में हमने किया था, 3 मोलर मीन्स 3 मोल्स ऑफ सोडियम क्लोराइड। यहां पे बेटा सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड लेना है, ठीक है, ये थोड़ा सा भूल गए थे हम लिखना। तो 3 मोल्स ऑफ सोडियम क्लोराइड डिजॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, ये मतलब वो बेटा इसका, अगर 3 मोल रहता है, अगर आप उसमें 3 मोल्स ले रहे हो तो उसमें वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो है वो 1 लीटर होगा बेटा। तो इसीलिए तो देयर फॉर मास ऑफ NaCl कितना मास मान लिया हमने, 3 मोल्स हैं तो 58.5 से मल्टीप्लाई कर दो, 58.5 क्या इसका मोलर मास है, बिकॉज मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास, ठीक है। तो इस फॉर्मूले से जो है हमने मास निकाल दिया NaCl का, मोल्स को मल्टीप्लाई कर दिया मोलर मास से, तो देखिए बेटा कितना आ जाएगा, 175.5, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml। तो इसी तरह से देयर फोर मास ऑफ 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो वॉल्यूम दिया है आपके पास 1000 और डेंसिटी कितनी है बेटा, दैट इज 1.25, तो कितना बन जाएगा, 1250 ग्राम, यह आ गया मास ऑफ सॉल्यूशन। तो बेटा आपने निकालना क्या है, आपने मोलैलिटी निकालनी है, तो देयर फोर यहां से आपके पास सबसे पहले मास ऑफ सॉल्वेंट आ जाएगा, मास ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूशन 1250 माइनस 175.5, कितना बचेगा बेटा देखें, 1.04.5। अब ये तो आ गया आपके पास मास ऑफ सॉल्वेंट, तो आई थिंक यहां पे आपके पास 7 आना चाहिए। तो देखिए जब इसको माइनस करोगे तो 1074.5 ग्राम, तो ये जो आया आपके पास दैट इज मास ऑफ सॉल्वेंट। तो मास ऑफ सॉल्वेंट निकालने के बाद आप क्या करोगे, इसमें मोलैलिटी डायरेक्ट निकल सकती है बेटा। तो मोलैलिटी निकालिए, मोलैलिटी कैसे निकालनी है आपने इस केस में, कि भाई क्या करें इसमें बेटा, फॉर्मूला लगा दो, आपके पास सब कुछ आ गया, इसमें कैलकुलेट कर लिया आपने। तो देखिए देयर फोर मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट, किस में लेना बेटा, केजी में। तो मोल्स आपके पास सेम है, कितने मोल्स दिए हुए हैं, 3 मोल्स हैं, तो 3 डिवाइड बाय मोलर मास जो है 1074.5, और ग्राम में तो 1000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, मीन्स वो उसमें चला जाएगा। तो मोलैलिटी इज इक्वल टू, तो ये आ जाएगा 3000
अपॉन 1074.5। तो ये जो आया बेटा आपके पास मोलैलिटी आई 2.79 मोल पर केजी। तो ये जो है आपके पास इसमें मोलैलिटी हमने कैलकुलेट कर ली है। तो अपने बेटा इसी तरह से जो है वो न्यूमेरिकल जो है सॉल्व करते जाएंगे। कुछ एक न्यूमेरिकल आपको सेंड करूंगा, आपने उनकी ट्राई करनी है बेटा। ठीक है, ओके, बाकी नेक्स्ट वीडियो में आगे करते हैं बेटा। थैंक यू।